वालेकुम। असमा किचन में खुश आमदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का चॉकलेट चिप केक बन रहा है, बहुत ही टेस्टी और यमी। बच्चे घर पे हैं और बच्चे रोज़ ज़िद करते हैं कि केक बनाएं। आज मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट चिप केक बनाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। चले आए बनाते हैं बहुत ही मज़े का और जल्दी से बनने वाला केक। और किस तरीके से बनता है, बहुत ही आसान है। चले आए बनाते हैं कैसे बनता है। उसके लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है, 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। फ्लोर जो होता है, ये वाला कप मैंने, जो मैंने मिल्क का लिया है वो ही कप मैंने इस तरीके का, यह 1/2 kg का कप है। और ये मैंने ले लिया है 1.5 कप। 1.5 कप मैदा हो गया है। 6 अंडे लिए मैंने। 6 अंडे की सफ़ेदी मैंने एक साइड पे कर ली, जर्दियाँ एक साइड पे कर ली। बेकिंग सोडा लेंगे हम। बेकिंग पाउडर जो होता है वो मैंने ले लिया है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। कॉफ़ी ले ली है मैंने, थोड़ी सी कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी का भी डालेगा। 1 टीस्पून कॉफ़ी ले ली मैंने। 1 कप चीनी का लिया, वो ही कप जो मैंने चीनी का लिया उसी तरीके से हमने ऑयल का ले लिया है। कोको पाउडर लिया है 1/2 कप। वनीला एसेंस लेंगे 1 टीस्पून के करीब। चले आए शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का केक बनाना। सबसे पहले मैदे को भी मैंने छान के रखा है और कोको पाउडर को भी मैंने छान लिया है। ये कोको पाउडर भी छाना है और मैदा भी छान लिया है। बिस्मिल्लाह। इसमें चला जाएगा बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा अच्छे तरीके से जो आमेजा बनाया था इसका केक का, हमारा मिक्स हो गया। अब इसको करेंगे एक साइड पे। अब हम चलेंगे जर्दियों की, सफ़ेदियों की तरफ। सफ़ेदी के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ये ऑयल डाल दिया मैंने और इसको करेंगे बीट। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें चीनी, जो हमने चीनी रखी हुई थी वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। जर्दियां बीट हो गई हमारी। इसके अंदर डाल देंगे हम कॉफी, जो हमने रखी थी कॉफी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। जर्दियां हमने कॉफी के साथ बीट कर ली हैं। अब हमने एक बॉल ले लेना है, बड़ा सा बॉल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे जो हमने रखी थी सफ़ेदी। बहुत ठीक हो गई है जो सफ़ेदी हमने बीट करी है। बिस्मिल्लाह। सारी सफ़ेदी मैंने इसमें डाल दी। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डाल देंगे इसमें। आपके पास कोई सा भी रखा हो, पाइनएप्पल है पाइनएप्पल डाल दें, वनीला डाल दें, एक टेस्ट आता है। और हल्के हाथ के साथ हम इसके अंदर ये मिक्सचर डालते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे।
बॉक्स में। इसको आपने इसी तरीके से मिक्स करना है, आपने तेज तेज हाथ नहीं चलाने, इस तरीके से आपने मिक्स कर जाना। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथ के साथ, ये हम डालते जाएंगे बैटर, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब इसके साथ में हम दूध डालते जाएंगे, इसमें डालेंगे बहुत ही मज़े का ये केक रेडी हो रहा है। इसको इस तरीके से पकड़ के इस तरह से करना है ताकि एक लेयर आए इसके ऊपर। दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपके घर में बर्थडे पार्टी हो, बच्चों के लिए फंक्शन हो, टी टाइम में आप कोई फैमिली आ रही है आपके घर, तो आप घर का केक रेडी बहुत जल्दी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए इसको सारा साइडों से करके इस तरह, ये मेरे सारा चला जाएगा। मिक्स करेंगे इसको बहुत अच्छे से, हमने मिक्स किया है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। ये देखिए मिक्स हो गया हमारा अच्छे से। अब हम इसके अंदर जाएंगे हल्के हल्के हाथ से जर्दी, जर्दी को भी हम अच्छे तरीके से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके का आप ले लें, अगर आपके पास सिंपल है तो आप सिंपल ही ले लें। पैन को मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है, अब हम इसको बटर पेपर लगा लेंगे और बटर पेपर लगाने के बाद हम बटर पेपर को भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक हमारा इजीली आराम से निकल जाए। अब हमने माइक्रो ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था 250 पे, 250 पे प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था और अब हम इसको रखेंगे 20 मिनट के लिए। इसको हम अच्छे से ये देखिए माइक्रो मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, ये मैं नीचे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए प्री हीट हो रहा है और मैं अब इसको रखूंगी 20 मिनट के लिए। प्री हीट जो हमने रखा था करने के लिए वो हमने हाई फ्लेम पे रखा था, अब हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे 20 मिनट तक।
डार्क चॉकलेट है हाफ ले लेंगे, हाफ लेके इसको माइक्रोवेव के अंदर हम मेल्ट कर लेंगे हाफ लेके। चॉकलेट चिप ले ली, ज़रूरत के हिसाब से आप जितनी भी चॉकलेट चिप डालें, बच्चे शौक से खाते हैं इसलिए मैंने हाफ कप ले लिया चॉकलेट चिप का। विप क्रीम है ये, और इसको अब हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। रखी होती है चॉकलेट हमारी अच्छे तरीके से हो गई है। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी। ये थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था कॉफी वाला पानी, मैंने वो ही डाल दिया इसमें क्योंकि ज़ाया भी नहीं जाएगा और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। चलिए ये हमारी रेडी हो गई है, इसको अब हम करेंगे एक साइड पे और अपने केक की तरफ चलते हैं। केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया, ये देखेंगे यहाँ से मैं टूथपिक डाल के देखी, मैंने ये देखी टूथपिक से आप चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 30 मिनट के बाद केक बेक हुआ है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसको पहले कभी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हुआ है। ये देखिए सारा बटर पेपर हम इसका उतार लेंगे। ये केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे ही ठंडा होता है फिर मैं इसके पीसीस करके दिखाऊंगी आपको। इसकी लेयर दो करके, दो करेंगे केक को हम, फिर इसके अंदर चीज़ें करेंगे, इसमें फिल करेंगे क्रीम वगैरह। अभी ठंडा होने देते हैं। केक के हमने 2 पीस कर लिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है और बहुत ही टेस्टी बना है, इसलिए मैंने बड़े एहतियात के साथ 2 पीस किए हैं। और एक मैंने बनाया हार्ट केक, जो हार्ट बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत बना है केक। वो एक मेरे पास बॉल था बहुत ही प्यारा सा, उसके अंदर मैंने ये हार्ट केक तैयार किया है। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बना है। ये हार्ट केक भी हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको भी हम बहुत ही प्यारा डेकोरेट करते हैं। चले आए अब हम क्रीम लगाते हैं इस पर। एक दफ़ा हम क्रीम को और मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा केक बनेगा ये, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से ज़रूर बनाएं घर पे। ये देखें दूसरी लेयर भी मैंने रख दी और इसको भी हम इसी तरीके से मैं सारे केक को ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा मैंने हार्ट केक बनाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसको हम सारा ढक देंगे केक को क्रीम के साथ। चॉकलेट भी हमने इसमें डाल दी। अच्छे से हम इस चॉकलेट को
चॉकलेट चिप चली जाएगी। मज़ेदार किस्म का हमारा बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा यमी यमी सा चॉकलेट केक मैंने आज घर पे तैयार किया, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।